सिटी सेंटर रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टी पर्सनल केबिन रूफटॉप पार्टी पार्टी हॉल पार्सल सुविधा फैमिली केबिन बैठने की उत्तम व्यवस्था शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट पता है सर्वोदय चौराहा तिवारी मार्केट पीना। नगर पालिका ने रोशनी के लिए किए लाखों रुपए खर्च, आगा फूड रोड पर अंधेरा बरकरार, कई शिकायतों के बाद भी नहीं हो सकी लाइट रिपेयर। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा आगा फूड रोड पर लोगों की सुविधा के लिए सड़क पर लाइट की व्यवस्था की गई थी, जिसमें नगर पालिका प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर स्ट्रीट लाइट लगाई थी, जिसमें सड़क के दोनों ओर दर्जनों की तादाद में बिजली के पोल देखे जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगाई गई स्ट्रीट लाइट जो लोगों की सुविधा के लिए लगाई गई थी, जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, जिस रोशनी के लिए नगर पालिका प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च किए थे, उसके बावजूद भी सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ है और अंधेरे से परेशान लोगों ने कई बार नगर पालिका प्रशासन से शिकायत की, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। नगर पालिका सब इंजीनियर सत्यम देवलिया का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा घटिया क्वालिटी की केबल डाली गई थी और उनके द्वारा मेंटेनेंस कार्य भी नहीं किया गया, जिसको लेकर कई बार पत्र भेजे गए और मेंटेनेंस कार्य नहीं किए जाने की वजह से ठेकेदार की शेष जमा राशि को राजसात किया गया है। वहीं आगा फूड रोड पर ओवर ब्रिज निर्माण के चलते स्ट्रीट लाइट को अन्य जगह शिफ्ट किया जाना है और शेष जगह पर लाइट रिपेयरिंग का काम भी किया जा रहा है, जल्द ही स्ट्रीट लाइट चालू की जाएगी। मौजूद है हम आगा फूड रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि अंधेरा पसरा हुआ है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन ने लाइट के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सारे खंभों पर लाइट बंद है और यहां के लोग अंधेरे से परेशान है। आप देख सकते हैं कि काफी दिनों से यहां पर शिकायत भी आ रही है कि यहां की लाइट नहीं जल रही है और नगर पालिका के द्वारा कई बार इसको रिपेयर कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर अंधेरे का क्या कारण है ये समझ से परे है, जबकि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए लाइट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ है। बीना से रामकुमार के साथ अस्पाक अंसारी की रिपोर्ट।